पितृपक्ष अपने पितरों के नाम से श्रद्धा पूर्वक सम्मान करना, उनके निमित्त उनकी रुचि का भोजन कराना, किसी ब्राह्मण को, किसी विद्वान को अथवा गरीब व्यक्ति को भी भोजन सकते हैं। इतनी श्रद्धा है, सामर्थ्य है तो भोजन कराना चाहिए। भोजन का दान सबसे बड़ा दान होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, चाहे वो किसी योनि में हो, उनको उसी रूप में जाकर प्राप्त होता है। वो मैंने कई बार उसका अनुभव किया, एक दो बार जैसा मुझे लगा तो यह मिलता है उसको, जिस योनि में होता है उसी योनि मिल जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि पितृपक्ष में क्या क्या सावधानी बरतें, क्या ना करें। सबसे बात है पितृपक्ष में आलस बिल्कुल ना करें, दिन में कम सोएं, ना सोएं तो अच्छी बात है। दूसरा, पितरों के जिस दिन आपके यहाँ मृत्युतिथि हुई थी उस दिन श्राद्ध करें, उस दिन उनके निमित्त प्रातःकाल उठ करके भोजन आदि बना करके यथाविधि तर्पण भोजन ब्राह्मण भोज कराएं। उसके पश्चात उनके जो आपके पूर्वज हैं उनके गुणों का आप वर्णन करें, बताएं उनकी रुचियों पर, बताएं जो आपके ऊपर उनकी कृपा है, आपके जो ऊपर आशीर्वाद उसके बताएं बताएं। ये तो ये उनको स्मरण करना चाहिए। दूसरा, उन दिनों में 15-16 दिन जो है घर में सात्विकता रहे, नेगेटिव ना रहे, अर्थात खाने में कोई नेगेटिव नहीं, आचार विचार नियम संयम रहे और ब्रह्मचर्य रहे। गृहस्थ जीवन में 15 दिन ये और 9 दिन नवरात्रि के, इन दिनों में ब्रह्मचर्य रहने का विधान है। ऐसा करने से उनके पितृ प्रसन्न होते हैं, आगे दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं और सारे जो कष्ट हैं सांसारिक और भौतिक कष्ट हैं सब खत्म हो जाते हैं। पितरों के निमित्त सबसे बड़ी बात है कि जो खाना बनाए उसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना करें, ऐसा तामसी भोजन उनको प्रिय नहीं होता। हाँ, कुछ साउथ क्षेत्र में हो सकता है कि उनके पितर कुछ ऐसा जैसे पश्ती होती हैं, मछलियाँ खाते हैं लोग साउथ में पूर्व में, तो वहाँ तो छोड़ करके अन्य अपने अपने क्षेत्रों में अपने पितरों के निमित्त सात्विक भोजन कराएं, मांस मदिरा मैथुन आदि का नेगेटिव है उनको त्यागे। दूसरी बात, सच्चाई ईमानदारी का लगन से काम करें, किसी को धोखा न दें।